हेलो गाइस, वेलकम टू हाईफाई लर्निंग और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे इंसर्ट का टैब और लास्ट में हमने इंसर्ट के टैब में पेजेस का ग्रुप देखा और आज हम देखेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट में हम टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखते रहिए हाईफाई लर्निंग और स्टार्ट करते हैं इंसर्ट करना टेबल। सिंपल, आपको इधर एक टैब में ग्रुप दिखेगा टेबल्स का और यहाँ से जैसे आप ड्रॉप डाउन ओपन करेंगे, यहाँ पे आपके पास ड्रॉप डाउन ओपन हो गया और यहाँ पे कुछ बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको। तो ये बॉक्स आपके जो है वो टेबल के बॉक्सेस हैं और अगर आप राइट साइड मूव करेंगे तो यहाँ पे आपका टेबल की कॉलम और अगर डाउन पे मूव करेंगे तो यहाँ पे आपके पास रॉस इंसर्ट होगी। यहाँ पे 10 कॉलम्स और 8 रॉस आप जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा की नीड है तो आप सिंपल इधर से आके अपने टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं और इधर से आप अपने टेबल में कॉलम्स जितने चाहे क्रिएट कर सकते हैं और जितने चाहे आप रॉस क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल, और यहाँ पे हमारा ऑटो फिट बिहेवियर होता है फिक्स कॉलम वे, यहाँ पे इसको आपको ऑटो रखना है और इसके बाद हम देखेंगे ऑटो फिट टू कंटेंट और ऑटो फिट टू विंडो क्यों यूज होता है। सिंपल, आप जब इस डायलॉग बॉक्स पे अपने कॉलम और रॉस की वैल्यू देके ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास टेबल इंसर्ट हो जाएगा। और दोस्तों, जैसे ही आप टेबल इंसर्ट कर लेंगे वहां पे आपके पास दो टैब शो होंगे इस पे, एक टेबल डिजाइन का और दूसरा लेआउट का। टेबल डिजाइन में आपके पास टेबल्स के कुछ स्टाइल्स हैं, कुछ ऑप्शंस हैं, शेडिंग और टेबल में बॉर्डर किस तरीके से अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सिंपल बॉर्डर है, डबल लाइन बॉर्डर किस तरीके से अप्लाई करेंगे। और लेआउट में आपके पास है टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज, जिसमें आप टेबल में रॉ कैसे इंसर्ट करेंगे अगर आपने टेबल क्रिएट कर लिया है, टेबल की हाइट विड्थ कैसे इंक्रीज करेंगे, प्लेट स्प्लिट सेल स्प्लिट टेबल और इमर्ज ग्रुप है ये किस तरीके से यूज करेंगे। ये वीडियो मैंने क्रिएट की थी आपको कि हम टेबल किस तरीके से इंसर्ट करते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे इंसर्ट टैब में आके और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें ड्रो टेबल क्यों यूज करेंगे, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल। वीडियो अच्छा लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।